खरगोन जिले में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जुटाने पर चर्चा करते हुए लॉकडाउन को 26 अप्रैल तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। बैठक सांसद गजेंद्र पटेल के नेतृत्व में रखी गई, जिसमें जिला कलेक्टर अनुग्रह पी, खरगोन विधायक रवि जोशी, जुम्मा सोलंकी, केदार डावर, सचिन बिरला सहित सदस्य शामिल हुए। इस दौरान विधायक रवि जोशी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी दूर करने से लेकर मरीजों की सुविधा को देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को दूर करने के लिए 45 लाख रुपए की राशि जिला प्रशासन को दी गई है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर विकट परिस्थितियों से बचा जा सकेगा। खरगोन से राहुल पंड्या की रिपोर्ट। सिविल इंजेक्शन के पैसे भी दिए ताकि मरीजों को समय से लगे और मरीजों की जान नहीं जाए। क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? लॉकडाउन अभी क्राइसिस कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जैसा जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है इसी को 26 तारीख तक चलाएं, इसको आगे बढ़ाएं। साथ में हमने तय किया है किसानों के लिए खेती का समय, खेती की तैयारी के लिए समय आ गया है। कृषि आधारित दुकानें प्लस मशीनरी की दुकानों को हम खोलने की परमिशन, बीज की दुकानों की, खाद बीज की दुकानों को खोलने की परमिशन रहेगी। जहां सरकारी निर्माण काम चल रहे हैं, बड़े निर्माण काम, जहां मजदूर खुद रहने की व्यवस्था है, ऐसी जगह मजदूरों के लिए निर्माण काम भी निरंतर चलते रहेंगे, मजदूरों को मजदूरी मिलती रहेगी। शहर में किसी प्रकार को जनता को हम भूखा नहीं सोने देंगे, हमारा प्रयास होगा। अगर आप लोगों तक किसी प्रकार के कोई भोजन की किसी या इलाज की किसी प्रकार की कोई कमी जनता को लगती है तो आप हमको सूचित करें, हम उसके इलाज की इलाज मुहैया कराएंगे, इलाज की व्यवस्था करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको रोटी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, वो करेंगे। जिला अस्पताल से सिविल सर्जन दिवेश शर्मा के दुर्व्यवहार की खबरें काफ़ी चर्चा में है आजकल। इस वक्त दुर्व्यवहार वाली बात नहीं, अपन तो व्यवहार वाली बात करें। हमने अभी अभी क्राइसिस कमेटी में यह निर्णय लिया है कि एक महा सुझाव केंद्र, एक कंट्रोल रूम का स्थापना की जाए, जिसमें मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी को ये कहा कि उस कंट्रोल रूम में स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी नहीं, उसका व्यवहार जनता के साथ कैसा रहता है हमको मालूम है। किसी को नोडल अधिकारी को, किसी दूसरे विभाग के अधिकारी को 8-8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से 3 शिफ्ट में वहाँ बिठाए। यहाँ पर कांग्रेस के 6 विधायक हैं, ऐसा कोई ना हेल्पलाइन जारी करेंगे जिससे आम लोगों को तकलीफ नहीं हो, सीधे वो आपसे बात कर सके? हेल्पलाइन हमारी 24 घंटे की चालू है, जो फोन लगाता हर आदमी को मदद करने के लिए हम तैयार हैं। सबकी अपनी अपनी हेल्पलाइनें हैं, सब अपने अपने सबके फ़ोन नंबर पूरी जनता के पास हैं। हमारे आदरणीय विधायक सचिन बिरला जी, आदरणीय जुम्मा सोलंकी जी भी, आदरणीय केदार डावर जी भी आज बैठक में, चारों विधायक हम उपस्थित थे, सबके फ़ोन नंबर है। हम सब एक दूसरे को सहयोग कर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो मरीजों के लिए, सब लोग एक साथ काम करें। 140 रुपये किलो था तो इस समय अगर वो 160-170 रुपये बढ़ोतरी हो गई, उस पर भी क्राइसिस कमेटी में चर्चा हो, इस पर भी प्रशासन से निर्देश दे और अंकुश लगाने लगाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।